वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम एक और पोस्चरल डिफॉर्मिटी लोर्डोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको स्वे बैक के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम और भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोर्डोसिस, इन दिस कंडीशन द स्पाइन कर्व्स इनवर्ड एट द लोअर बैक एंड नेक एरिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी स्पाइन लोअर बैक एरिया और नेक एरिया से इनवर्ड कर्व बना लेती है। इनवर्ड कर्व यानी जैसे मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं तो कर्व जो है वो इनवर्ड बनेगी। जो आउटवर्ड कर्व होती है अपर बैक की, उसको काइपोसिस कहते हैं। और जब ये लोअर बैक से इनवर्ड कर्व बन जाती है तो उसको लोर्डोसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ नेक एरिया को भी ये चीज जो है वो इफेक्ट करती है। नेक एरिया से भी हल्की सी इनवर्ड कर्व जो है वो देखने को मिलती है। मैं आपके साथ इसकी एक तस्वीर शेयर करूंगा जिससे कि आपको पता चल सके कि ये लोर्डोसिस डिफॉर्मिटी दिखती कैसी है। आगे इसके कॉजेस दिए हुए हैं। सबसे पहला कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ये एक हड्डियों का डिसऑर्डर है। इसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ये एक बीमारी है जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, और बोन्स के वीक होने के कारण हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे पोस्चर को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाता, और इसके कारण अलग अलग डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो लोर्डोसिस का होना भी इसी का एक कारण हो सकता है। दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी एक्सेस वेट या फिर मोटापे के कारण हमारी बॉडी पर दबाव जो है वो अधिक पड़ता है। ज्यादा दबाव होने के कारण हमारी जो स्पाइन है, हमारे जो मसल्स हैं, वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाते। जब हमारा पेट बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी बैलेंस खराब होता है, और बॉडी बैलेंस खराब होने के कारण सारा पेट जो है वो हमारी स्पाइन पर चला जाता है। और इसी के कारण जो स्पाइन है वो लोअर बैक से इनवर्ड कर्व बना लेती है। तीसरा कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी इसका एक मेजर कॉज है। प्रेगनेंसी के कारण भी लोर्डोसिस जो है स्वे बैक हमें देखने को मिलता है। चौथा कॉज है इम्बैलेंस डाइट। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशियल डाइट नहीं होगी, तो हम किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी का शिकार हो सकते हैं। पांचवा कॉज है मसल वीकनेस। अगर मसल वीक होंगे तो मसल वीकनेस का कारण है इम्बैलेंस डाइट। अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो मसल वीक होंगे, मसल वीक होंगे तो वो हमारी बॉडी को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे और हम डिफॉर्मिटी का शिकार हो सकते हैं। इसका सिक्स्थ कॉज है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हमारी डेली लाइफ में एक्सरसाइज की कमी है तो इसके कारण भी लोर्डोसिस जो है वो देखने को मिलता है। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा पोस्चर इरेक्ट रहता है, इससे हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और हम डिफॉर्मिटी से बचे रहते हैं। सेवंथ कॉज है प्रॉब्लम इन पेल्विस। अगर हमारे पेल्विस एरिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, तो उसके कारण भी लोर्डोसिस की समस्या हमें देखने को मिलती है। आगे हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि लोर्डोसिस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसको मैंने फोर मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें होगा, तो हम किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस ओबेसिटी। अपने मोटापे को घटाकर हम अपनी बॉडी को बैलेंस में रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस हल आसन। हल आसन योग का एक आसन है
अगर हम इसकी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो हम स्वे बैग से काफी बचाव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको स्वे बैग यानी लोर्डोसिस के बारे में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।